इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में आजकल बहुत हलचल मची हुई है। माना जा रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सिर्फ अमरावती को राजधानी बनाए जाने के पक्ष में नहीं है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को ये योजना भा नहीं रही। नायडू के लिए ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2015 में उदंड रायुनीपलम इलाके में नई राजधानी की नींव का पत्थर भी रख दिया था। इस नई योजना के मुताबिक गुंटूर और विजयवाड़ा का महानगरीय क्षेत्र मिलाकर अमरावती महानगर क्षेत्र बनाया जाएगा। राजनीतिक दांवपेच तो हमेशा की तरह चलते ही रहेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस क्षेत्र का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित ये नगर एक समय सातवाहन साम्राज्य की राजधानी का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, साथ ही बौद्ध संस्कृति का भी केंद्र हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम धान्य कटक था। धान्य का अर्थ है अनाज और कटक का अर्थ है जगह। धान्य का व्यापारिक केंद्र होने के कारण इस नगर का नाम धान्य कटक पड़ा। अमरावती अपने समृद्ध काल में प्रसिद्ध व्यापारिक नगरी हुआ करती थी। समुद्र से कृष्णा नदी होकर अनेक व्यापारिक जहाज यहाँ पहुँचते थे। यहाँ से भारी मात्रा में पुराने सिक्के मिले हैं, जिन्हें पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है। ये सिक्के भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों में से एक माने जाते हैं। सातवाहन वंश के राजा हिंदू थे, लेकिन उनके शासनकाल में यहाँ बौद्ध धर्म को खूब बढ़ावा मिला। इस नगर में बौद्ध धर्म के दो सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक है बौद्ध धर्म के प्रतीक स्तूप, जिन्हें महाचैत्य भी कहा जाता है, और दूसरा ध्यान बुद्ध की मूर्ति। अमरावती का ये विशाल स्तूप भारत के सबसे प्रसिद्ध स्तूपों में से एक है। ये स्तूप 13वीं सदी तक अनेक बौद्ध अनुयायियों के उपासना का केंद्र बने रहे। उस दौर में यहाँ स्थित बौद्ध स्तूप की रेलिंग्स पर बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। ये मूर्तियाँ अमरावती शिल्प शैली को दर्शाती हैं। सन 640 में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने अमरावती का दौरा किया था। उन्होंने अभिधम्म पिटकम यानी कि आखिरी बौद्ध पिटका का अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी लेखनी में बौद्ध विहार और मठों के बारे में विस्तार से भी लिखा था। कला और संस्कृति के लिहाज से भी अमरावती बेहद समृद्ध रहा है। अमरावती मूर्तिकला शैली को भारत की दो अन्य कला शैलियों मथुरा शैली और गांधार शैली से भी पुराना माना जाता है। समय के साथ ये विलुप्त हो गया, लेकिन सन 1797 में अंग्रेजी अधिकारी मेजर कॉलिन मैकेंजी को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने खुदाई कर इसके अवशेषों को बाहर निकाला। आगे चलकर 18वीं सदी की शुरुआत में चिंतपल्ली के राजा वासी रेड्डी वेंकटाद्री नायडू ने यहाँ अमरलिंगेश्वर मंदिर बनवाया था। उसी के आधार पर पहली बार इस जगह को अमरावती नाम मिला। अमरावती एक ऐतिहासिक राजधानी रही है। जाहिर है भविष्य में भी इसकी अहमियत कभी कम नहीं होगी। साथ ही ये एक ऐसा शहर भी है जहां इतिहास को रूबरू देखा और महसूस किया जा सकता है।